नमस्कार, गजब का स्वाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनीति शर्मा। आज मैं आपको पनीर हैदराबादी बनाना बताऊंगी। यहाँ मैंने गैस को ऑन करके पैन को गरम करने रख दिया है। एक चम्मच में इसमें तेल डालूंगी। तेल गरम हो गया है और यहाँ मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है, उसको मैंने इस शेप में काट लिया है। इसको मैं हल्का सा सेकूंगी। इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, बहुत हल्का सा सेकना है। एक साइड से पनीर हमारा हल्का सा सिक गया है, इसको मैं पलट दूंगी। अब दूसरी साइड से भी पनीर हमारा हल्का सा सिक गया है। अब इन सारे पनीर को मैं बोल में निकाल लूंगी। अब इसी पैन में एक चम्मच में फिर से तेल डालूंगी। यहाँ मैंने 2 मीडियम टमाटर लिए, इनको मैंने काट लिया है। इस गरम तेल में मैं टमाटर डालूंगी। 1 कप में हरा धनिया लूंगी, वो भी टमाटर में डाल दूंगी। 6-7 मैंने पालक के पत्ते लिए हैं, उन्हें धोकर मैंने काट लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। 2 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा भी इस टमाटर में डालेंगे। 1 चम्मच मैंने ताजा हरा पुदीना लिया है, वो भी हम डाल देंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इस टमाटर धनिए को मैं 2 मिनट तक चलाऊंगी और सॉफ्ट करूंगी। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब मैं गैस को ऑफ करूंगी। इसको ठंडा करके इसका मिक्सी में बारीक पेस्ट बना लूंगी। यहाँ मैंने पालक और टमाटर का बारीक पेस्ट बना लिया है, इसको एक बोल में निकालेंगे। यहाँ मैंने गैस को ऑन करके एक पैन रख दिया है। 4 चम्मच में इसमें तेल डालूंगी। तेल गरम हो गया है, इसमें मैं 1 टुकड़ा दालचीनी का डालूंगी जो मैंने तोड़ लिया है, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4 काली मिर्च, 2 लौंग और 2-3 तेज पत्ते मैंने तोड़ के इसमें डाल दिए। ये खड़े मसाले हमारे हल्के से भुन गए हैं। इसमें मैं पालक और टमाटर धनिए का पेस्ट डालूंगी। इसको हम 1 मिनट चलाएंगे। इसमें मैं 1 चुटकी हल्दी डालूंगी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी पाउडर है मेरे पास लाल मिर्च का, 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच मैं इसमें चीनी डालूंगी, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर इसमें डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर इसमें डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे जो मैंने क्रश कर ली है। इसको हम 1 मिनट तक और चलाएंगे। अगर पानी की जरूरत लगे तो 2 चम्मच पानी और डाल सकते हैं। 2 चम्मच में इसमें फ्रेश क्रीम डालूंगी और 2 चम्मच में ताजा दही डालूंगी। ये हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो गया है। जो मैंने पनीर को सेक कर रखा था वो पनीर मैं इसमें डाल दूंगी और 1 मिनट के लिए कम गैस पर इसको ढक कर रख देंगे। 1 मिनट हो चुका है, गैस को हम ऑफ करेंगे और पनीर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में डालेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं फ्रेश क्रीम डालूंगी। अब हम इसे सर्व करेंगे। लीजिए, हमारा हैदराबादी पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। जल्दी से आप इसे बनाइए गरम गरम नान और चपाती के साथ। जल्दी से सर्व कीजिए।